आज दुनिया हवा पानी में घुलती गंदगी से जूझ रही है। खुले में शौच करने वाले दुनिया के 60% लोग भारत में हैं। दुनिया की 10 सबसे गंदी नदियों में हमारी गंगा नदी है। दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 10 बड़े शहर शामिल हैं। गांधी जी भारत की इस बदनुमा तस्वीर को बदलना चाहते थे। करीब करीब सभी गांव जाने पर ऐसा अनुभव होता है जिससे दिल को खुशी नहीं मिलती है। गांव के बाहर और उसके आसपास जितनी गंदगी है और जितनी बदबू है, ऐसे में तो किसी को भी गांव के पास से गुजरने पर अपनी नाक बंद करके या आंखें बंद करके गुजरना पड़ता है। जिन नदियों, तालाबों और कुओं के किनारे हम श्राद्ध करते हैं या दूसरे धार्मिक कर्म करते हैं या जिन जलाशयों में हम पवित्र होने के विचार से नहाते हैं, उनके पानी को गंदा करने और बिगाड़ने में बिल्कुल भी हिचक नहीं करते। साफ सफाई और स्वच्छता बहुत जरूरी है, ये राजनीतिक आजादी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। राजनीतिक आजादी से ज्यादा जरूरी है गंदगी से आजादी। गांधी जी ने ये बात ऐसे समय में कही जब भारत में अंग्रेजों का राज था। गांधी के से अधिक और गांधी से पहले किसी ने इतनी गहराई से बात नहीं की थी। आजादी मुझे बाद में चाहिए, स्वच्छ भारत पहले। साफ सफाई से रहना, पर्यावरण को स्वच्छ रखना, इस सोच से लोगों को जोड़ने की मुहिम गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही शुरू कर दी थी। वे सन 1893 में वकालत के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। उस समय दक्षिण अफ्रीका में बड़ी संख्या में भारतीय मजदूर और व्यापारी रहा करते थे। मजदूरों को गिरमिटिया कहा जाता था। ब्रिटिश सरकार बाहर से आए लोगों को शहर के गंदे इलाकों में रहने की जगह दिया करती थी और साथ में ये आरोप भी लगाया जाता था कि एशिया से आए लोग गंदगी फैलाते हैं। गांधी जी ने सरकार के इस रवैये का विरोध किया। उन्होंने जोहान्सबर्ग के चिकित्सा अधिकारी को चिट्ठी भी लिखी। मैं आपको भारतीयों के रहने वाले इलाकों की स्तब्ध कर देने वाली स्थिति के बारे में लिख रहा हूं। एक कमरे में कई लोग एक साथ इस तरह से ठूस कर रहे थे कि उनके बारे में बताना भी मुश्किल है। इन इलाकों में सफाई सेवाएं अनियमित हैं और सफाई न रखने के संबंध में बहुत से निवासियों ने मेरे कार्यालय में शिकायत करके बताया कि अब स्थिति पहले से भी बदतर हो गई है। साल 1904 में जोहान्सबर्ग के आसपास सोने की खदान वाले इलाकों में प्लेग फैला था। इस महामारी में गांधी जी ने 4-5 युवकों की एक टीम बनाई और खुद की परवाह किए बगैर दिन रात प्लेग रोगियों की देखरेख में जुट गए। दक्षिण अफ्रीका में जहां गांधी जी बैरिस्टर एमके गांधी धीरे धीरे कदम दर कदम महात्मा गांधी बनने की तरफ जा रहे हैं, उस यात्रा में भी शौचालय उनके साथ चल रहे हैं और हर कदम पर एक नए तरह के शौचालय की वो कल्पना करते हैं। उन्होंने प्लेग के मरीजों के भोजन, दवा के इंतजाम से लेकर उनके शौच तक की सफाई का काम शुरू कर दिया। डॉक्टर गॉडफ्रे की हिम्मत से हम सब बहुत निडर हो गए थे। वहां विशेष सेवा चाकरी करने का कोई अवसर नहीं था। उनको दवा देना, पानी पिलाना, ढांढस बंधाना और उनके मल मूत्र को साफ करना, इसके सिवा वहां और कोई दूसरा कार्य करने को था नहीं। दक्षिण अफ्रीका में गंदगी और बीमारी से जूझते लोगों के बीच गांधी जी स्वच्छता के दूत बन गए थे। उन्होंने सेंट्रल डर्बन के पास फीनिक्स इलाके में साफ सफाई के लिए कुछ लोगों का एक दल बनाया। गांधी जी ने खुद शौचालयों की सफाई की जिम्मेदारी ली, जिसे सबसे गंदा काम माना जाता था। लेकिन वहां उन्होंने तय कर रखा था साउथ अफ्रीका में कि जो भी उनके आश्रम में आएगा वो सफाई का काम करेगा। कि गांधी जी अपना शौचालय खुद साफ करते थे और वो कहा करते थे कि सफाई में खुदाई है, जहां सफाई है वहीं खुदा है। साल 1901 में गांधी जी कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका से कलकत्ता आए। यहां गांधी जी ये देखकर हैरान थे कि
कि अधिवेशन में आए बड़े बड़े नेता और कार्यकर्ताओं को जहां ठहराया गया था वहां बहुत गंदगी थी। उन्होंने देखा कि अधिवेशन में शौचालय की सफाई का काम कार्यकर्ता खुद नहीं कर रहे थे। गांधी ने स्वयं झाड़ू लिया, टोकरी ली, कुदाल लिया, खुरपी ली और जाके सफाई करने लगे शौच काफ़ी खेतों में और फिर जो गंदगी थी उसका भी। जब लोगों ने देखा कि गांधी ने स्वयं शुरू कर दिया तो लोग दौड़े, फिर गांधी से सब छीना और उन्होंने शुरू कर दिया। तो कांग्रेस का अधिवेशन जब तक होता रहा तब तक वहाँ के वॉलंटियर्स ही सब सफाई का काम करने लगे। गांधी जी के समय देश की आम आबादी खुले में शौच जाया करती थी। गांधी जी ऐसे शौचालय की व्यवस्था चाहते थे जिससे गंदगी ना फैले, जो किचन और ड्राइंग रूम की तरह साफ हो। मेरा प्रार्थना का कमरा जितना साफ है मेरा शौचालय उतना साफ होना चाहिए, यानी मैं अगर चाहूँ तो अपने शौचालय में प्रार्थना कर सकता हूँ, इतना साफ होना चाहिए। सेवाग्राम की उनकी कुटी में अगर आप जाएंगे तो उनकी कुटी से जुड़ा हुआ जो उनका शौचालय है वहाँ पर एक अलमारी लगी हुई है जिस पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर बापू के पढ़ने की किताबें वगैरह रखी रहती थी क्योंकि वो शौचालय में पढ़ते थे। इतना साफ उसको उन्होंने रखा था। तो शौचालय जो है वो गंदा करने की जगह नहीं है, स्वच्छता का विचार वहाँ से निकलना चाहिए, इसलिए गांधी जी इस तरह की तुलना करते हैं। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद पहली बार गांधी जी ने साफ सफाई को लेकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपनी चिंता जाहिर की। उन्हें 6 फरवरी 1916 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के मौके पर बुलाया गया था। मंच पर BHU की स्थापना करने वाले पंडित मदन मोहन मालवीय के अलावा दरभंगा महाराज और एनी बेसेंट जैसी हस्तियां बैठी हुई थी। सबने ये सोचा था कि लंदन में पढ़े लिखे गांधी इस मौके पर कोई बड़ी बात कहेंगे, लेकिन गांधी जी ने कड़े शब्दों में बनारस की गंदगी पर बोलना शुरू कर दिया। कल शाम मैं विश्वनाथ के दर्शन के लिए गया था, उन गलियों में, जिन गलियों में मैं जा रहा था उसे देखते हुए मैं सोच रहा था कि अगर कोई अजनबी अचानक इस महान मंदिर में आ जाए तो वो हिंदू लोगों के बारे में क्या सोचेगा। इस मंदिर की जो हालत है क्या वो हमारे चरित्र को नहीं दिखा रही है। मैं ये बात एक हिंदू की तरह बड़े दर्द के साथ कह रहा हूं। क्या ये ठीक बात है कि हमारे पवित्र मंदिर के आसपास गलियां इतनी गंदी हों और उसके आसपास जो घर बने हुए हैं वे चाहे जैसे तैसे बने हैं, गलियां टेढ़ी मेढ़ी हैं, सकरी हैं। अगर हमारे मंदिर भी सादगी और सफाई के नमूने ना हो तो हमारा स्वराज्य कैसा होगा। अगर अंग्रेज यहां से बोरिया बिस्तर बांध कर चले जाए तो क्या हमारे मंदिर पवित्रता, स्वच्छता और शांति के धाम बन जाएंगे। गांधी जी की बात सुनकर सभा में मौजूद कई मेहमान नाराज हो गए, लेकिन गांधी जी नहीं रुके। उन्होंने राजा महाराजाओं के शाही जीवन की खिंचाई शुरू कर दी। हम भाषण देने की कला के लगभग शिखर पर जा पहुंचे, अब आयोजनों को देख लेना और भाषणों को सुन लेना ही पर्याप्त नहीं माना जा सकता, अब हमारे हाथ पांव भी हिलने चाहिए। धुरंधर भाषण हमें स्वराज्य के योग्य नहीं बना सकते, वो तो हमारा आचरण है जो हमें इस योग्य बनाएगा। और मुझे हैरानी तो इस बात की हो रही है कि ये जो कार्यक्रम चल रहा है इसकी अध्यक्षता के लिए हम विदेशी जुबान का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। क्या इस कार्यक्रम को चलाने के लिए हम अंग्रेजी की जगह हिंदी नहीं बोल सकते। मैं यहां मौजूद राजा महाराजाओं की शान और शौकत को देख कर भी हैरान हूं। भारत तब तक मुक्त नहीं हो सकता जब तक कि आप लोग खुद को
इन कीमती गहनों के भार से मुक्त कर देशवासियों के भरोसे को नहीं जीत लेते। महात्मा गांधी की गंदगी और साफ सफाई की बातों को सुनकर समारोह में मौजूद राजा महाराजा वहां से चलते बने। उनके भाषण को बीच में ही रोकने की कोशिश भी हुई। आखिर में सभा को ही बर्खास्त कर दिया गया। बनारस की तरह गांधी जी ने दूसरे कई शहरों में सार्वजनिक जगहों पर गंदगी का अंबार देखा। बड़ी बात ये थी कि इस गंदगी को लेकर लोग बेफिक्र और लापरवाह थे, लेकिन गांधी जी ने ये बताने की कोशिश की है कि हर एक आदमी अगर अपनी सफाई स्वयं करेगा, ठीक जगह पर थूकेगा, ठीक जगह पर पेशाब करेगा, ठीक जगह पर शौच जाएगा, ठीक जगह पर कूड़ा फेंकेगा। वो कहा करते थे कि ये उचित नहीं है कि आप घर के अंदर की सफाई करें और कूड़े को गली में डाल दें। गांधी जी ने बनारस में खुद देखा कि किस तरह शहर के नालों के जरिए गंदा पानी गंगा में मिल रहा है। बाद के बरसों में गंगा किनारे के कई शहरों में उन्होंने यही हाल देखा। साल 1929 में इलाहाबाद की नगर पालिका और जिला बोर्ड की एक सभा में गांधी जी को चंदा देने के लिए बुलाया गया था। मुझे जानकर बड़ा धक्का लगा कि हरिद्वार की तरह ही प्रयाग की पवित्र नदियों को भी नगर पालिका के गंदे पानी से अपवित्र किया जा रहा है। इस खबर से मुझे बहुत दुख हुआ। जिला बोर्ड इस तरह पवित्र नदियों को गंदा ही नहीं कर रहा है, बल्कि उसमें हजारों रुपए फेंक रहा है। ये गंदे पानी का तो सही उपयोग किया जा सकता है, पर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि ये जिला बोर्ड ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा है। जहां भी नदी शहर से मिलती है वहां नदी दूषित होती है। किसी भी शहर से मिलने पर नदी रोती हुई ही निकलती है। आप निथी नदी को ले लीजिए, मुंबई की जो नदी है उसको आज ऑफिशियली नाला कहा जाता है, वो नदी थी। दिल्ली के अंदर साहिबी जो नदी थी वो थी अरावली से निकलती हुई यमुना में मिलने वाली एक नदी, उसको आज आप और मैं नजफगढ़ नाला मानते हैं। नदी को हमने नाला बना दिया है। बुद्धा नाला लुधियाना की जो नदी है उसके अंदर इतना प्रदूषण है कि लोग उसको नाला कहते हैं आज, वो दरिया था। तो यही नदियों की बुरी हालत इस देश में होती जा रही है। गांधी जी साफ सफाई की मुहिम में जुटे रहे। इसी दौरान सन 1932 में गांधी जी को अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी को यरवदा जेल भेजा गया, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल भी उनके साथ थे। यरवदा जेल में भी गांधी जी ने साफ सफाई को लेकर कोई समझौता नहीं किया। गांधी जी आप क्या कर रहे हैं? अरे भाई, अपनी उठने बैठने की जगह है तो सफाई कर रहा हूं। किसने गंदा किया ये? जेल के एक अधिकारी आए थे, वो बातचीत करते करते अंदर ही जूते पहन कर आ गए, तो थोड़ा गंदा हो गया तो साफ कर रहा हूं। गांधी जी आपने उनसे मना नहीं किया? उनको जूते पहन के अंदर नहीं आना चाहिए था। आप तो गांधी जी दरवाजे पर तख्ती लगा दो, जूते पहन के कोई अंदर ना आए। अरे जाने दो, ये बात तो खुद उनकी समझदारी की है, और फिर अपनी जगह तो हमें खुद साफ करके ही रहनी चाहिए। हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी है। ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका में रहने के दौरान गांधी जी ने ये देखा था कि वहां साफ सफाई को लेकर लोगों की सोच बेहद आधुनिक है। उन दिनों प्लेग और मलेरिया की महामारी से हर साल हजारों लोगों की मौत हो जाया करती थी। इसकी बड़ी वजह गंदगी और हाइजीन को लेकर लोगों की अज्ञानता थी। गांधी जी हाइजीन को आरोग्य कहा करते थे और सफाई को लेकर चौकस रहना उनकी आदत बन चुकी थी। महादेव जी बाबू, ये गरम पतीले के पानी को ढक दो। जी बाबू। लेकिन क्यों बाबू? क्योंकि हवा में जंतु होते हैं जी। और गरम पानी के भाप से वो उसमें गिर सकते हैं, तो कपड़े से ढकने से जी थोड़ी स्वच्छता रहती है जी बाबू। हम इस हद तक तो अहिंसक नहीं हो सकते। सरदार, अहिंसा तो नहीं पाली जा सकती, लेकिन स्वच्छता तो पाली जा सकती है।
19 नवंबर 1944 को महात्मा गांधी सेवाग्राम में हिंदुस्तानी तालीमी संघ के एक प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे थे। उस समय आजादी का आंदोलन निर्णायक दौर में था। उस समय भी गांधी जी की ये कोशिश थी कि लोग सफाई का मतलब और महत्व समझें। शिक्षा में मन और शरीर की सफाई ही शिक्षा का पहला कदम है। आपके आसपास की जगह की सफाई जिस प्रकार झाड़ू और बाल्टी की मदद से होती है, उसी प्रकार मन की शुद्धि प्रार्थना से होती है। इसलिए हम अपने काम की शुरुआत प्रार्थना से करते हैं। शौचालय से हमारा दिन शुरू होता है, और अगर एक गंदी जगह से तुम दिन शुरू करते हो जहाँ तुमको खुद भी बैठने में हिचक हो रही हो, तो तुम्हारा पूरा दिन कैसा जाएगा उसकी तुम कल्पना करो। और अगर समाज के करोड़ों करोड़ों लोग वैसी ही गंदी जगह से दिन शुरू करते हैं तो पूरा समाज कैसा बन जाएगा उसकी कल्पना करो। तो वो कहते हैं कि नहीं, अच्छी जगह से दिन शुरू होना चाहिए, उसमें सफाई का भाव हो, जहाँ बैठने में तुमको एतराज़ नहीं हो, जहाँ बैठकर तुम पढ़ सकते हो, जहाँ बैठकर तुम सोच सकते हो, ऐसी जगह अगर बनेगी तो तुम्हारा पूरा दिन और इस तरह से समाज का पूरा दिन अच्छा जाएगा। गांधी जी ने साफ सफाई को ईश्वर की पूजा की तरह माना। उन्होंने ऐसे भारत की कल्पना की थी जो गंदगी का गुलाम ना हो। गांधी जी के बताए रास्ते पर ही सरकार आज स्वच्छ भारत अभियान पर काम कर रही है। खुले में शौच करने वाले दुनिया के 60% लोग भारत में हैं। इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए 2019 तक शौचालय बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, सिक्किम, गुजरात और केरल को खुले में शौच से मुक्त राज्य घोषित किया गया है। स्वच्छ भारत अभियान का एक और मकसद देश के 81,000 शहरी वार्ड में हर घर से कचरा उठाने की व्यवस्था करना है। देश के करीब 6,34,00,000 लोगों को पीने का साफ पानी भी नहीं मिलता। गंदगी से 5 साल की कम उम्र के करीब 1,12,00,000 बच्चे हर साल डायरिया के शिकार हो जाते हैं। सरकार की योजना है कि 2022 तक गांवों में रहने वाले 90% लोगों तक पाइप से पानी पहुंचाया जाए। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।